गणेश चतुर्थी के पर्व पर जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में सुबह भगवान गणेश की आरती की गई। इस बार भी कोरोना के कारण भक्तों का प्रवेश निषेध रहा। मंदिर के पुजारियों ने पूजन और अभिषेक किया। इसके बाद भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। सिरोही के माउंट आबू में देलवाड़ा निवासी आयुष राणा ने गणपति महोत्सव पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि 11 वर्षीय बालक ने अपनी कला को निखारते हुए नन्हे हाथों से मूर्तियां बनाकर रंग बिखेरे। साथ ही बालक ने शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। ऐसे में बालक की कला और हुनर को लेकर के स्थानीय लोगों ने सराहना की। टोंक के अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक दर्शन किए। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। कोरोना के कारण यहां हर साल लगने वाला मेला भी स्थगित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। भरतपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना कर खुशहाली और शांति की कामना की। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते बड़े आयोजनों पर रोक रही, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। गणेश चतुर्थी पर घर घर गणपति को विराजित किया गया। इस मौके पर अटलबंद गणेश मंदिर पर मेले जैसा माहौल रहा। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण भगवान गणेश के दर्शन को पहुंचे। इस मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अटलबंद थाना अधिकारी राजेंद्र शर्मा और पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। अभी देशवासियों को, भरतपुर वासियों को गणेश जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सरकार की गाइडलाइंस है कि कम से कम भीड़ हो, इसलिए सूक्ष्म में सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर शाम को गणेश चतुर्थी का पूरा प्रोग्राम रहेगा, छोटी सूक्ष्म रूप में झांकी निकलेगी। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही दर्शन करें, जिससे भविष्य में कोई भी दिक्कत हमें भी नहीं आए और आपको भी नहीं आए। मंदिर पर गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जा रहा है, कई वर्षों से मनाया चला जा रहा है। हमारे भारत भर में गणेश चतुर्थी को गणेश जी को ज्योति का दाता मनाता है, रंग भरता है और चतुर्थी को ये पर्व मनाया जाता है। दुर्गानी का भोग लगता है, दुर्गानी का बड़ा महत्व है इसमें, और गणेश जी का ज्योति का दाता है, इसलिए गणेश जी को पूजन किया जाता है।